केंद्र सरकार के मंत्रालयों में लैटरल एंट्री के जरिए अधिकारियों की भर्ती का ममता बनर्जी ने समर्थन किया है, हालांकि उन्होंने कुछ चिंताएं भी जाहिर की हैं। ममता बनर्जी ने फेसबुक पर लिखे पोस्ट में कहा है, मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि भारत सरकार लैटरल एंट्री के जरिए 10 महत्वपूर्ण मंत्रालयों में संयुक्त सचिव की नियुक्ति करना चाहती है। इसके लिए आवेदन भी मांगे गए हैं। मेरे विचार में अगर कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति केंद्र सरकार की पेशेवर क्षमता और योग्यता में सुधार के लिए शामिल हो तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मुझे अलग अलग प्रभावों से जुड़े विषयों के बारे में कुछ चिंताएं हैं। इसलिए सरकार को अपने फैसले को लागू करने से पहले सभी हिस्सेदारों के साथ व्यापक बहस और चर्चा करने की जरूरत है। सरकार ने 10 जून को एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें प्राइवेट सेक्टर के लोगों को लैटरल एंट्री के जरिए अलग अलग मंत्रालयों ने ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाने के लिए आवेदन मांगे हैं।